हेलो गाइस, एक नए टॉपिक में स्वागत है आपका। ये क्लच प्लेट के फिटिंग के बारे में कुछ जानकारी देना था आपको। यूनिकॉन सीबी यूनिकॉन का ये शील्ड इंजन है, फर्स्ट बारी ओपन हुआ है। इसमें बोर भी करा रहा हूँ मैं। ये आपको क्लच है, ये गाड़ी में खुला हुआ से, ये FCC कंपनी का है। ये देख सकते हो, ये पूरे जल चुके हैं। ये गाड़ी खोल के 2 दिन हो गया है, इसलिए वीडियो बनाने के लिए टाइम बन नहीं रहा था। इसलिए अब देखो, ये पूरा कट गए है। ये भी FCC कंपनी का है, देख सकते हो। तो मैं नया लेके आया था, वो भी दिखाऊंगा आपको। ऐसी कंपनी का आएगा, ये देखिए हीरो का होंडा का ओरिजिनल ही है। ये भी FCC का है, देखिए। दूसरा वाला भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये भी FCC वाला है, देखिए। और क्लच प्लेट भी FCC का ही आता है, इसमें FCC का ही डाल रहा हूँ मैं ये प्राइम गियर भी चेंज कर रहा हूँ मैं, देखिए। 650 को 4 रुपये MRP है इसका। और इसका रबर किट भी जागो था, वो रबर किट भी चेंज कराया मैंने। ये प्ले था, ये स्टील कट अच्छा ही था, मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसको एमरी किस तरह से मारना है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आधा बिता देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये बेल है ना, ये रोड को घिस जाने से बेंड हो जाते हैं। इसको इजी नैक दिखाता हूँ मैं आपको, क्लीन। ये एमरी किस तरह से मारना है, ये बेल डाल लेना चाहिए आपको। बेल डाल के एक स्टील प्लेट डालना, एक क्लच प्लेट डालना चाहिए आपको। करने से आपको स्टील प्लेट बेंड नहीं हुएगा। आप लोग घिस देने से थोड़ा बेंड हो जाए तो आपको गियर डाल के मूव करने के बाद थोड़ा जर्किंग प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम नहीं आना है तो इस तरह से करिए, इजी भी हो जाएगा। एमरी मार दिया है मैंने। इसमें देखिए, ये बेल के सेट डालने के प्लेट अलग आते हैं, और ये स्टील प्लेट के जो सेंटर में बैठते हैं ना, वो अलग आती हैं। इसमें वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ना, ये डिफरेंस है। देखो, ये बड़ा है ये और छोटा है, यही चेंजेस है इसमें। ये है बेल के सेट आने वाले है ये प्लेट। और ये स्टील प्लेट के सेंटर में बैठना है। ये देखिए, ये डॉट दिख रहा है ना,
ये डॉट को ये डॉट रखना चाहिए। ये देखिए कंपलसरी फिटिंग हो गया है, इसका काम इतना ही था। और ये प्लेट चेंज हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, ये बेल चला जाएगा, बेल भी चला जाएगा, प्लेट भी जल जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये 1-2 डबल खर्च हो जाएगा बाद में आपको। ये थोड़ा देख कर करना चाहिए, ओरिजिनल पार्ट्स में उतना ही ये चेंजेस आता है। अदर तो आप लोग हीरा होंडा की क्लच प्लेट डालेंगे तो किस तरह से डालें तो भी ये चल जाएंगे। अगर गाइज इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसमें ऑयल सर्कुलेशन के लिए होल आना चाहिए था, वो नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, देख सकते हो। और मैं इसमें होल डालूँगा, अब 2 mm का मेरे पास ही मशीन है, मैं ही डाल दूँगा। देखिए कहाँ कहाँ डालना है वो दिखाता हूँ आपको। इधर 2 डालना है, इधर 2 6 होल डालना है इसमें। ये डालने से क्या होता है, आपको गियर फ्री पड़ेगा, क्लच प्लेट भी लाइफ अच्छा आएगा ऑयल सर्कुलेशन रहने से। इसको टच नहीं होना चाहिए, ये जो मशीन है ना, इधर से डालने से इधर टच नहीं होना चाहिए इसके फेस को। देखिए ये होल जो रहता है ना, इधर दो, ये 2 थोड़ा पास ही है, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा नज़दीक है, क्योंकि जो सभी क्लच प्लेट को ऑयल जाएगा, जो एक ही पोजीशन पर डालेंगे तो एक ही पोजीशन पर ऑयल जाएगा, दूर के जो क्लच प्लेट रहता है ना सेंटर में सप्लाई नहीं रहेगा, इसीलिए मैं 2 पास में डाला हूँ, ये थोड़ा दूर डाला हूँ, ये थोड़ा पास में डाला हूँ। खराब देखिए कहीं भी टच नहीं हुआ है, लेकिन ये फेस बहुत हिफाजत से फिट करना है आपको। अब मैं दिखाता हूँ क्लच प्लेट किस तरह से बटाना है आपको। ऊपर उठा, ये देख रहे हो, ये और चेंज है, ये देख सकते हो, ये और क्लच प्लेट चेंज है। ये छोटा छोटा वाला है बटन, ये बड़ा वाला है। ये क्या करना है आपको, ये एल्यूमिनियम साइड आएगा, एक स्टील प्लेट डालने के बाद ये मोटा वाला डालना चाहिए आपको, और ये एक, और ये भी स्टील प्लेट ही साइड आएगा। ये देखिए ये 2 भी एल्यूमिनियम साइड के ही है, ये डालेंगे तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको, लेकिन वो 3 आते हैं उसमें, मेरे पास असेंबली में 2 आए हुए हैं, 2-3 ये है एल्यूमिनियम साइड डालने के, क्लच बेल के साइड डालने वाले। इस तरह से डालने से भी क्या भी प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको, झिझक डाल सकते हो, टेंशन नहीं रहेगा आपको। ये देखिए एरो मार्क दिख रहा है ना आपको, एरो मार्क ये और एरो मार्क, ये दोनों एक ही साइड से बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, आपको घुमा कर बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा।
चलिए मैं फिटिंग करके दिखा रहा हूँ। फिर भी ये भेंड आते हैं कि एक क्लच प्लेट कुछ बॉक्स में आते हैं तो बॉक्स ऊपर से फेंक देते हैं, कुछ कुछ वज़न चीज़ रखने से भी भेंड हो जाती हैं। लेकिन आप लोग को फिटिंग करते स्टंप को ये गैप भेंड रहेंगे तो इधर गैप आएगा, इधर प्रेस करके देखना चाहिए, प्रेस कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये भेंड है या नहीं है। ज़्यादा भेंड रहने से आपको चेंज करना पड़ेगा ये। थोड़ी कुछ भी करने का नहीं, इजी बटाना चाहिए आपको। ये देखिए ये प्लेट भी FCC का ही है, देख सकते हो। जैसे FCC पूरा कंपनी का, होंडा का पूरा आइटम, एक क्लच प्लेट का जो पूरा सेट रहता है ना, वो FCC। करने के बाद आप लोग क्या करना चाहिए, आप बोर बनाए हो, इंजन बनाए हो, तो 1000 किलोमीटर चलने के बाद ऑयल सर्विस आप लोग बोलेंगे तो ये फिल्टर खोलकर क्लीन करना चाहिए आपको। ये फिल्टर खोलने नहीं खोलेंगे तो आपका इंजन लाइफ बहुत कम हो जाएगा। ये फिल्टर को ज़रूरी क्लीन करना है। आप शोरूम में जाएंगे तो 750 किलोमीटर को गाड़ी ले गया हो, ऑयल सर्विस कराएंगे बोलेंगे तो एक क्लच खोल कर ऑयल सर्विस में क्लीन करेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे आपको 2500 बोलेंगे या 3000 बोलेंगे या 1500 बोलेंगे, जब भी कहेंगे तो ये क्लीन करेंगे। हर सर्विस में आप जाएंगे तो ये क्लीन करके ही देंगे। शुरू में एक दो बार क्लीन करेंगे, बाद में दोबारा सर्विस में नहीं करेंगे क्लीन एक दो बार, क्योंकि हमें वेस्ट से जो हाथ पोसते हैं, कुछ सामान भी पोसते हो ना, तो उसमें जो ये रहता है ना तागा, वो तागा बारीक बारीक अटक जाएगा। हम ऑयल डाल के रन करते हैं ना गाड़ी, जब वो आकर पूरा इसमें स्टॉक हो जाएगा। ये क्लीन करना ज़रूरी है। ये नहीं क्लीन करेंगे तो जो ऑयल का प्रेशर रहता है ना गाड़ी में, वो कम हो जाएगा, इसीलिए क्लीन करना चाहिए। ये ऑयल का प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है ना, उतना लाइफ ज़्यादा रहता है इंजन में। इतनी ही सी बात जानकारी देना था आपको। मेरा काम अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।